आज हम बात करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। उसकी क्या बात करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे सीधा स्टडी मटेरियल के, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशंस कितने हैं, टोटल इलस्ट्रेशन है 13, और टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस है टोटल 14। सो हियर इलस्ट्रेशंस कितने हैं, टोटल हैं 13 और टेस्ट योर नॉलेज है 14, एंड दैट कम्स टोटल टू 27। पार्ट वन में वी विल ट्राई टू फिनिश फर्स्ट ऑफ इलस्ट्रेशन, देन वी विल मूव टू द टेस्ट योर नॉलेज। सो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल। आज करेंगे, अभी करेंगे और सीए बन के रहेंगे, क्योंकि हमें बनना है तो बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। या आपको मिल जाएगा BOSIS ICAI के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सेक्शन में, नया न्यू सिलेबस में जब जाएंगे तो वहां पे आप FR के सेक्शन में आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का ये पूरी सीट मिल जाएगी। सो वी आर जस्ट डायरेक्टली मूविंग टू द इलस्ट्रेशन नंबर 1। आर यू रेडी? यस और नो? हाउ इज द जोश? ओके, मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, आर्मी वाले तो हम लोग है नहीं, बट क्या किया जाए, पॉपुलर हो गया ना, हाउ इज द जोश? हाय सर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाइबिलिटी, हमें आइडेंटिफाई करना है बेसिकली कि ये, अब ये आइडेंटिफाइबिलिटी का मतलब यहां पे ये है कैपेबल फॉर सेल। आपने, आपको अगर याद हो तो हम लोग जब इनटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा है, इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट विच आर आइडेंटिफाइबल हैविंग नो फिजिकल सब्सटेंस, नो फिजिकल सब्सटेंस, नॉन मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए उसका, एंड एसेट तो होना ही चाहिए। तो वही बोला, आइडेंटिफाइबल है या नहीं वी विल लेट यू नो, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन है तो आपको जवाब देना है, ठीक है, वी विल डिस्कस। क्वेश्चन क्या है, सन लिमिटेड हैज एन एक्सपर्टाइज इन कंसल्टिंग बिजनेस, उनका कंसल्टिंग बिजनेस है। पास्ट ईयर में कंपनी हैज गेन्ड अ मार्केट शेयर, कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया है फॉर इट्स सर्विस ऑफ 30% एंड कंसिडर रिकॉग्नाइजिंग इट एज एन इंटेंजिबल एसेट। 30% मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, इज दिस एक्शन कंपनी इज जस्टिफाइड कि हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो आंसर इज नो, डेफिनेटली नो, बिकॉज ए मार्केट शेयर का गेन इट इज नॉट आइडेंटिफेबल। हमने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि क्या इंटेंजिबल, कुछ ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि इंटेंजिबल्स हैं, जो एसेट नहीं, उसमें से मार्केट शेयर भी था। मार्केट शेयर डू नॉट मीट डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल। क्या इसको आप बेच सकते हो, मार्केट शेयर जो आपका 13% बढ़ गया? नो, यू कैन नॉट सेल इट आउट, मतलब इट इज नॉट कैपेबल फॉर सेल, इट इज नैदर सेपरेबल, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, नॉर अराइज फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट्स। कहने का मतलब ये है कि हमने बोला था कैपेबल फॉर सेल होना चाहिए, जिसको आप अलग से बेच सकते हो, सेपरेटली आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो यही केस है यहाँ पे, ये बोल रहा है मार्केट शेयर डज नॉट मीट द कंडीशन डेफिनेशन, जैसे हमने अभी डेफिनेशन बताया ना, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट विच आर आइडेंटिफिएबल हैविंग नो फिजिकल सब्सटेंस एंड नो मॉनेटरी वैल्यू, नॉन मॉनेटरी वैल्यू, तो ये आइडेंटिफिएबल नहीं है। सो वी हैव डन इलस्ट्रेशन नंबर 1। नाउ इट कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन है। कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू स्टाफ, स्टाफ ट्रेनिंग है, वेरियस न्यू टॉपिक्स, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स पे इन्होंने ट्रेनिंग दी है टू इंश्योर की कंप्लायंस रिक्वायर्ड लॉ को फॉलो करें। कैन द कंपनी रिकॉग्नाइज द कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एज ए इंटेंजिबल एसेट? बिल्कुल नहीं, हमने एक बार सख्त मना किया है, भैया स्टाफ ट्रेनिंग आप इसको नहीं मान सकते एज एन इंटेंजिबल एसेट, अगर आपको याद हो, हमने लिखाया भी था। लेट्स डिस्कस, इट इज क्लियर दैट द कंपनी विल ऑब्टेन, बिल्कुल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑब्टेन करेगी। तो अगर आपको याद हो, हमने दो चीज़ें बात की थी इसके ऊपर कि रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो उसमें बोला गया था कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू एंटिटी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड हो जाना चाहिए।
तो क्या यहाँ पे हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। वर्क परफॉर्म बाई द स्टाफ एज इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो दिख रहा है बट इट डज नॉट कंट्रोल ओवर देम बिकॉज स्टाफ कुड चूज द रिजाइन द कंपनी एट एनी टाइम। बट ये उनके लिए एसेट की डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इंटेंजिबल की रिकॉग्निशन की डेफिनेशन तो वो क्वालिफाई कर रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का। बट इंटेंजिबल एसेट्स में पहला क्या था, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स, दोज एसेट्स। यहाँ पे एसेट का मतलब क्या है, सोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाई एंटिटी, ऐसे रिसोर्सेज जो कंट्रोल की जाती है एंटिटी द्वारा, ठीक है, और हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो उसको एसेट बोलते हैं। एसेट क्या है, रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल बाई, जिस पे पूरा हक रहता है कंपनी का और उसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। तो स्टाफ ट्रेनिंग डज नॉट क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एसेट, एसेट की डेफिनेशन ही ये क्वालिफाई नहीं करता है। हेंस द कंपनी लैक्स द एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर दोज बेनिफिट, देयरफॉर द स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। इसीलिए आपका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं, सो इट इज़ नॉट योर एसेट, और इसके कॉस्ट पे भी आपका इसका कोई कंट्रोल नहीं कि आप इसका कितना बेनिफिट इससे ले पाओगे। तो आंसर इज इन नेगेटिव बिकॉज आप इसको इंटेंजिबल एसेट नहीं मान सकते। फिर आता है अगला क्वेश्चन, फिर से आइडेंटिफायबिलिटी ऑफ इंटेंजिबल एसेट के ऊपर क्वेश्चन है। प्लूटो लिमिटेड, ठीक है, प्लूटो लिमिटेड इंटेंस टू ओपन ए न्यू रिटेल स्टोर्स इन द न्यू लोकेशन, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके पास सब्सटेंशियल सम ऑन अ सीरीज ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट दिस न्यू स्टोर, उन्होंने अच्छा खासा रुपया खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, आपको याद रखना चाहिए ये बात। द कंपनी हैज पेड एन अमाउंट ऑफ 8 लाख फॉर एडवर्टाइजमेंट बिफोर 2001, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 8 लाख रुपया खर्चा कर दिया। 7 लाख ऑफ द सम रिलेट्स टू द एडवर्टाइजमेंट शोन बिफोर 31 मार्च, जिसमें 7 लाख 31 मार्च 2001 तक के लिए और 1 लाख के एडवर्टाइजमेंट जो अप्रैल से लेके अगले अप्रैल तक होगा, शोन इन अप्रैल, जो कि अगले महीने में शोन हुआ आफ्टर, मतलब नेक्स्ट ईयर। सिंस 31 मार्च 2001 द कंपनी हैज पेड फॉर द फर्दर एडवर्टाइजमेंट कॉस्टिंग रुपीज, और उसके बाद कंपनी ने फर्दर 4 लाख रुपया पेड कर दिया। Pluto Limited is in the view that the search cost can be carried forward as intangible assets since the market research indicates that this new store is likely to be highly successful. मतलब ये market की जो strategy है हमारी brand value की जो बढ़ाने की, advertisement करने की, हमारे को लगता है कि ये highly successful होगा। हम explain करिए और justify करिए कि इस cost का treatment हम क्या करें। तो पहली बात तो आप question समझ लीजिए कि इन्होंने advertisement का खर्चा बुक किया और उसको वो इंटेंजिबल एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। आंसर में क्या दिया हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज इफ दे आर आइडेंटिफाइबल एंड हैव अ कॉस्ट विच कैन बी रिलायबली मेजर्ड। तो फॉर दिस क्राइटेरिया आर वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई फॉर द इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल्स। For this reason, India's 38 specifically prohibits recognition of advertisement expense as an intangible asset. The issue of how successful the story is likely does not affect the prohibition. This cost should be recognized as an expense. तो कहने का मतलब ये है कि आप जब एक advertisement expense करते हो, तो ये identifiable होना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात उसका cost आप मेजर कर पाओ, जो कि कॉस्ट आप मेजर कर सकते हो, लेकिन ये आप कैसे आइडेंटिफाइबल नहीं हो, इसको बेच नहीं सकते और कॉस्ट भी जो इंटरनली खर्चा हुआ उसका मेजर नहीं कर सकते। ये देखो, दिस क्राइटेरिया वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई फॉर इंटरनली डेवलप्ड इंटेंजिबल्स, इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते जो कॉस्ट यहाँ पे निकल के आया है। कॉस्ट शुड बी रिलायबल, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था टेंजिबल एसेट में भी, और आई एम सॉरी इंटेंजिबल एसेट में, कि कॉस्ट हमेशा रिलायबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगे, तो हमने पहले ही इसको आउट ऑफ स्कोप नहीं, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हमने कवर ही नहीं किया था एज एन, क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं सेटिस्फाई करता और रिकॉग्निशन प्रिंसिपल नहीं सेटिस्फाई करता है रिकॉग्नाइज होने का, ठीक है। फिर आगे क्या लिखता है, However, the cost would be recognized on an accrual basis. Cost accrual basis पे record होगा. Therefore, the advertisement of paid for the March 31st, 7 lakh would be recognized as an expense and 1 lakh as a prepayment in the
ठीक है, 8 लाख का एडवर्टाइजमेंट था जिसमें 31 मार्च तक उन्होंने पेमेंट कर दी थी 8 लाख की, लेकिन 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट अगले साल होना था तो उसको आप प्रीपेड दिखाएंगे, ये बोल रहे हैं अक्रूअल बेसिस। और जो 4 लाख का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट था वुड बी चार्ज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंड, और अगले साल के लिए वो खर्चा होगा। अब इस केस में आपको याद हो इन्होंने 8 लाख के खर्च किए थे जिसमें कि 31 मार्च तक के एडवर्टाइजमेंट 7 लाख के शो हो चुके थे, सो दिस इज योर एक्सपेंस, बट 1 लाख के जो हुए वो अगले अप्रैल में हुए, तो ये जो पेमेंट आपने ऑलरेडी कर लिया तो इसका प्री पेमेंट दिखाएंगे, और फर्दर जो 4 लाख का अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज योर प्योरली एक्सपेंस, इसका एक्सपेंस दिखाएंगे। ठीक है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात हो रही है जो कि इनको करना चाहिए, ये इंटेंजिबल एसेट में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। मर्करी लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2002 एंड इज अनश्योर अबाउट हाउ टू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, अनश्योर है कैसे इन आइटम्स को ट्रीट करेंगे, एक करके देखते हैं। 3 है, कंपनी कंप्लीट की ग्रैंड मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कंपेन। ठीक है, वही एडवर्टाइजमेंट, तो इट विल बी नो इंटेंजिबल एसेट, ये एज एन एक्सपेंस आपको पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन, अ न्यू प्रोडक्ट वॉज डेवलप ड्यूरिंग द ईयर, एक नया प्रोडक्ट डेवलप हुआ है, द एक्सपेंडिचर टोटल 3 लाख ऑफ विच 1.5 लाख इंकर्ड प्रायर टू 31st सेप्टेम्बर 2001 द डेट ऑन विच इट बिकम्स क्लियर दैट द प्रोडक्ट्स आर टेक्निकली वायबल। 30 सितंबर तक 150,000 खर्चा हो गया था, उसके बाद पता चला कि टेक्निकली वायबल है। अगर आपको कंडीशन याद हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग क्या चीज़ कैपिटलाइज करते हैं क्या नहीं और किन कंडीशन पे कैपिटलाइज करते हैं, तो उसमें एक कंडीशन था कि वो टेक्निकली वायबल हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसका मेजर हो सके और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होता हो एंटिटी को, तो उसमें कंडीशन थी टेक्निकली वायबल। द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च इन द नेक्स्ट 4 एंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेटेड 1.4 लाख। तो कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जिसमें रिसर्च इज वॉट, रिसर्च इज योर एक्सपेंस, रिसर्च हमेशा एक्सपेंस होता है और डेवलपमेंट हमेशा कैपिटलाइज होता है, और अगर वो कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करे जैसे कि वो टेक्निकली वायबल होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसका फ्लो होना चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट उसका पता होना चाहिए कितना रिकवरेबल अमाउंट है, तो ये आई बिलीव विल लुक कि इसमें क्या होगा। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अपेयरिंग द बैलेंस इट विल बी वैल्यूड एट 1.5 लाख एज पर इंडियस 23। द एक्सपेंडिचर प्रायर टू द डेट ऑन विच द प्रोडक्ट बिकम्स टेक्निकली फिजिबल इज रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, हाउएवर द रिकवरेबल अमाउंट इज ऑल्सो गिवन द क्वेश्चन, देयरफॉर अप्लाइंग प्रोविजन ऑफ इंडियस 36 द रिवाइज कैरिंग अमाउंट वुड बी आफ्टर इंपेयरमेंट। देखो कहानी ऐसी है, उन्होंने बोला 3 लाख रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन हमें जब पता चला कि टेक्निकली वायबल हुआ है उसके बाद सिर्फ 1.5 लाख का खर्चा हुआ, तो ये हम 1.5 लाख एज अ न्यू प्रोडक्ट में कैपिटलाइज कर देंगे, लेकिन जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट है दैट इज 1.4 लाख, तो इसमें क्या हो गया, 10,000 की लग गई इम्पेयरमेंट एज पर इंडेस 36, तो ये 1.4 लाख ही फाइनली कैपिटलाइज होगा। कहानी समझ में आई, आपको याद हो कि रिसर्च का खर्चा और डेवलपमेंट का खर्चा, आपके पास नॉलेज गेन हो रहा है, दैट शुड बी इन पीएनएल, लेकिन आप कब मानोगे कि डेवलपमेंट में चला गया, ये फेज, दो फेज होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, तो रिसर्च फेज में पीएल में हम चीज़ों को डालते हैं, लेकिन डेवलपमेंट फेज में जाने के बाद वो कैपिटलाइज होता है, लेकिन कब ये पता चलेगा, जब आपको पता चलेगा कि ये टेक्निकली वायबल है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इसका है और इसका रिकवरेबल अमाउंट भी आपको पता चलेगा। ठीक है, और 2-3 कंडीशन है, तो अब जब ये पता चल जाएगा तो आप इसको क्या कर मान लोगे कि डेवलपमेंट फेज है और इसको कैपिटलाइज करोगे, तो वही यहाँ पे हुआ है, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट इज 1.4 लाख और हमने खर्चा कर दिया 1.5 लाख, तो इसका मतलब ये है कि एक 10,000 इम्पेयर्ड भी हो गया, तो इसीलिए 1.4 पे हमने बुक किया है। क्लियर, ओके। नाउ स्टाफ पार्टिसिपेटेड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम विच कॉस्ट द कंपनी ₹5 लाख। स्टाफ जो है पार्टिसिपेट हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो उसको कॉस्ट पड़ा 5 लाख का। स्टाफ ट्रेनिंग, आई रिपीट, स्टाफ ट्रेनिंग इज नॉट योर इंटेंजिबल एसेट बिकॉज इट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ एसेट इटसेल्फ। द ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड अ प्रेजेंटेशन टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आउटलाइन द इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिजनेस ओवर द 12 ईयर। स्टाफ ट्रेनिंग नहीं होगा इंटेंजिबल एसेट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट,
या नो एसेट विल बी रिकॉग्नाइज बिकॉज देर इज नो कंट्रोल. बिकॉज एसेट क्या होता है, एसेट जिस रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जिस पे आपका कंट्रोल होता है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है. यहाँ पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो है बट इट डज नॉट, यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर स्टाफ. स्टाफ आज छोड़ के चला जाए, कल छोड़ के चला जाए, आप इसको बांध के नहीं रख सकते. गवर्नमेंट रूल भी है इसके अंदर. तो एसेट ही नहीं होता तो इंटेंजिबल एसेट की तो बात ही छोड़िए. फिर चलिए अगले इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5. इसमें एक्विजिशन की बात हो रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन है. ओके लेट्स डू दिस. व्हेन एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अक्वायर करती है एक सॉफ्टवेयर इंटरनल यूज के लिए, द अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ द सॉफ्टवेयर वॉज ₹6 लाख. ओके जिसमें से 6 लाख उन्होंने इमीडिएटली पे कर दिया और 4 लाख इन 1 ईयर. 4 लाख उन्होंने 1 साल में पेमेंट किया. अदर एक्सपेंसेस परचेज टैक्स एंट्री टैक्स रिकवरेबल लेटर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, जो कि लेटर ऑन रिकवरेबल है. तो क्या वो इंक्लूड होगी? जी नहीं, वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कॉस्ट. लीगल फीस लगा, दैट विल बी. कंसल्टेंसी फीस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल पार्ट होगा. कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10%. तो इसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे? ये 1 साल में इतना पेबल है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे कि आज के डेट में इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है, और बाकी अपने फाइनेंस कॉस्ट की तरफ बुक करेंगे लेटर ऑन. तो ये यही हुआ है यहाँ पे. देखिए 6 लाख रुपया तो परचेज प्राइस हो, आपको अगर पता हो तो डिफर्ड क्रेडिट टर्म का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें बात बोली थी कि भाई इस आज के डेट में जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो बस रिकॉर्ड होगा, और जो नॉर्मल पीरियड से अधिक रहता है उसको हम लोग फाइनेंस कॉस्ट की तरह रिकॉर्ड करते हैं. तो 4 लाख 1 साल बाद पे करना होगा, तो 4 लाख का प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना होगा तो देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है, ऐसे आप निकाल सकते हो 4 लाख/1.1, तो ये आ जाएगा इतना. तो ये कैपिटलाइज होगा, 10 लाख नहीं होगा क्योंकि डिफर्ड पेमेंट है, इसलिए 6,00,63,636. परचेज टैक्स आएगा बिकॉज इट इज नॉट रिकवरेबल. एंट्री टैक्स नहीं आएगा बिकॉज इट इज रिफंडेबल, वो आपको पैसा मिल जाएगा. लीगल फीस इट विल कम बिकॉज दैट इज वॉट द इट इज अ पार्ट, इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द इंटेंजिबल एसेट. फिर कंसल्टेंसी फीस फॉर इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल है, दिस विल बी अ कॉस्ट. एक चीज यहाँ पे बस ये है कि डिफर्ड पेमेंट करते वक्त आपको प्रेजेंट वैल्यू उसको लिखना है, फ्यूचर वैल्यू पे नहीं, और बाकी फाइनेंस कॉस्ट में तो जाना ही जाना. बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस को कंबाइन करते हैं अपने. ऑन 31 मार्च अर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अर्थ इंडिया लिमिटेड पेड 50 लाख फॉर 100% इंटरेस्ट इन सर लिमिटेड, मतलब उसको पूरी तरीके से होल्डिंग कंपनी बनाने के लिए एट दैट सन लिमिटेड नेट एसेट हेड अ फेयर वैल्यू 30 लाख की फेयर वैल्यू थी, हमने 50 लाख रुपए दिए. इन एडिशन सन लिमिटेड हैज हेल्ड द फॉलोइंग राइट्स, ट्रेडमार्क उसके पास और भी क्या है एडिशन में, उसके बाद ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क नेम ग्रैंड वैल्यूड एट 1,80,000 यूजिंग डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक. उसका मतलब आज के दिन में क्या डिस्काउंटिंग करके वैल्यूड है, आज का प्रेजेंट वैल्यू 1,80,000 का एक ट्रेडमार्क है. सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स राइट उसके पास है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ राइट है कि डिस्ट्रीब्यूशन का भी राइट होता है. जैसे कि आप सिलेंडर का केस ले लो तो हर गैस एजेंसी के पास डिस्ट्रीब्यूशन का राइट होता है, हर कोई गैस खरीद नहीं सकता और बेच नहीं सकता. सो देर इज अ राइट विच यू कैन एक्सरसाइज. द फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम ईच आर टू बी एस्टिमेटेड 1,50,000 ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर, ठीक है. 10% इज कंसिडर एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंटेड, 6 ईयर के हिसाब से 4.36 लगाओगे तो ये निकल जाएगा आज की वैल्यू. आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट, इसमें क्या क्या है, हमें गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट आपको बताना है. परचेज कंसिडरेशन कोई दिक्कत नहीं, परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट के जो डिफरेंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल. आपको अगर याद हो तो पढ़ा है हमने थ्योरी में. तो जो भी एसेट अपने अक्वायर करते हैं उसके लिए 50 लाख के लिए नेट एसेट का तो वैल्यू 30 लाख दिया हुआ, ट्रेडमार्क भी है, डिस्ट्रीब्यूशन अभी कैसे निकला ये रहा आपको निकाल के दिया हुआ है 4.36.
टोटल हो गया 383400। अब ये कैसे है 150,000, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 150,000 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 है, लेकिन उसका प्रेजेंट वैल्यू में अगर निकालना है तो एन्युटी फैक्टर लगाना पड़ेगा 4.36। सो एन्युटी फैक्टर अगर आप 4.56 लगाएंगे, 4.36 लगाएंगे सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 654। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया 654। तो ये हो गया आपका 50, 30, ये हो गया टोटल बी का और ए का, और जो डिफरेंस आया दिस डिफरेंस इज नोन एज गुडविल। तो बेसिकली जो भी परचेज कंसिडरेशन आपने पेड किया और जो भी हमने अक्वायर किया, नेट एसेट जो अक्वायर्ड है उसको माइनस करेंगे, दैट इज योर गुडविल। इस केस में भी वही है, कोई दिक्कत नहीं होगी आई बिलीव। नाउ एक्सचेंज ऑफ एसेट, सन लिमिटेड अक्वायर मतलब एसेट एक्सचेंज हो रहा है, इसमें दो केस है आपको याद है, कमर्शियल सब्सटेंस है कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो एस लिमिटेड अक्वायर सॉफ्टवेयर फ्रॉम अर्थ, ठीक है कोई बात नहीं, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के लिए, द टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इज कैरिड एट 5 लाख इन द बुक ऑफ सन लिमिटेड। सन लिमिटेड अक्वायर सॉफ्टवेयर फ्रॉम अर्थ लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, और सन लिमिटेड ने क्या किया, अक्वायर किया कोई भी एक एसेट अर्थ लिमिटेड से जिसकी उसकी बुक वैल्यू 5 लाख थी। द सॉफ्टवेयर इज कैरिड एट ₹10,000 इन द बुक्स ऑफ अर्थ लिमिटेड विच इज नॉट द फेयर वैल्यू, और जो सॉफ्टवेयर है अर्थ लिमिटेड के पास उसकी ₹10,000 की वैल्यू दिख रही है बट वो दैट इज नॉट द फेयर वैल्यू। तो आप एक बात बताओ, ये 5 लाख रुपया दे के, यू नो 5 लाख का एक टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस दे के 10,000 के वैल्यू का एक सॉफ्टवेयर लिया है, ऑल दो इट इज नॉट द फेयर वैल्यू। एडवाइस जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सिचुएशन इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड, 3 सिचुएशन दिए। पहला सिचुएशन, फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 5 लाख एंड फेयर वैल्यू ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। अब इस केस में क्या, अगर आपको दो क्राइटेरिया अगर आपको याद हो, कमर्शियल सब्सटेंस नो कमर्शियल सब्सटेंस, इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस बुक करना पड़ता था, इसमें आपको नहीं बुक करना पड़ता था। तो पहला कंडीशन ये कि यहाँ पे फेयर वैल्यू दिया हुआ है, कॉमर्शियल सब्सटेंस यहाँ पे है, तो इस केस में प्रॉफिट और लॉस आएगा, देखिए आया भी होगा। सॉफ्टवेयर 5 लाख का, तो एसेट अकाउंटेबल टू टेलीकम्युनिकेशन, इसके आंसर में थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिए, ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा 520 का और ये हो जाएगी प्रॉफिट 20 की, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस हो जाएगा 500 का, सॉफ्टवेयर 10 का रहेगा और प्रॉफिट हो जाएगी 490 की। दूसरे केस में सही है, सही है, और तीसरे केस में एकदम परफेक्ट है। चलिए, हमने बोला दो केस कि अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो प्रॉफिट और लॉस बुक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इन दोनों केसेस में देखेंगे तो कॉमर्शियल सब्सटेंस है मतलब फेयर वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या बोला, पहला केस फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर 5,20,000 है, सन लिमिटेड ने क्या किया, एक्वायर किया एक सॉफ्टवेयर, तो उनका सॉफ्टवेयर अपने उनके बुक में आएगा, तो सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंड द फेयर वैल्यू ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, और जो फेयर वैल्यू टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का है उसके जिसके बदले में उन्होंने लिया उसकी वैल्यू है तो 500, तो सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट टू टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस एंड द रिमेनिंग ₹20 इज हिज प्रॉफिट बिकॉज उन्होंने अच्छी डील ले ली है। अब वही चलते हैं अर्थ लिमिटेड के केस में, अर्थ लिमिटेड ने क्या किया है, अर्थ लिमिटेड ने एक्सचेंज किया है, तो उनको क्या मिला है, अर्थ लिमिटेड को मिला है टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जिसका फेयर वैल्यू दिया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल इसका फेयर वैल्यू दिया हुआ है, और उन्होंने अपना क्या दिया है, उन्होंने अपना दिया है सॉफ्टवेयर जो कि उनकी बुक वैल्यू भी बुक वैल्यू पे बुक होगा और बाकी का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे भी टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस का फेयर वैल्यू दिया हुआ है जो उन्होंने एक्सचेंज किया है, तो
520 का इन्होंने पा लिया और टू बुक इनकी जो एसेट गई वो 500 की गई, उसका बुक वैल्यू दिया हुआ था और इनको 20 का प्रॉफिट हो गया। और इनका 500 का एसेट था जिसकी बुक वैल्यू थी 10 की, तो इनको 490 का प्रॉफिट हो। बुक वैल्यू दोनों का दिया हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन का भी दिया हुआ है और सॉफ्टवेयर का भी दिया हुआ है। ऑल राइट, मतलब इन लोगों दोनों लोग को म्यूचुअल बेनिफिट है, ऑल दो इनको ज़्यादा बेनिफिट। दूसरा केस, फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर इज नॉट मेजरेबल, फेयर वैल्यू मेजर नहीं किया सकता। हालांकि सिमिलर सॉफ्टवेयर को देखा जाए तो 490 में, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस को अगर देखा जाए फेयर वैल्यू तो 490 के आसपास आता है। तो भाई साहब इनको तो 490 में, मतलब अगर फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, क्योंकि लाइकवाइज जो इनके एसेट है उनका फेयर वैल्यू दिया हुआ है, तो 490 इनको मिला, तो जो मिला इनको एसेट वो अकाउंट डेबिट, जो इनका गया इसकी बुक वैल्यू 5 लाख है, तो जो हुआ वो लॉस हो गया। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इनको क्या मिला, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, इनकी बुक वैल्यू इतनी थी, तो 480 का इनको प्रॉफिट हो गया, 10 का यहाँ पे लॉस हो गया। दोनों केस समझ में आ गया। फिर अब तीसरा केस, नेदर फेयर वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर और नॉट टेक्निकल लाइसेंस कुड बी रिलायबली मेजर्ड, मतलब फेयर वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती ना कि सॉफ्टवेयर और उसकी, तो यहाँ पे नो कमर्शियल सब्सटेंस का केस आ गया। कौन सा केस आ गया, नो कमर्शियल सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट, हमारी बुक वैल्यू है, जैसे इनके बुक वैल्यू क्या है तो वही मान लेंगे कि उसकी भी बुक वैल्यू है, 500 अकाउंट 500 टू 500 हो जाएगा। इनके यहाँ बुक वैल्यू क्या है, 10 इनके सॉफ्टवेयर की, तो यही मान लेंगे कि उनका जो आर है वो भी 10 का है, बिकॉज फेयर वैल्यू नहीं दी गई है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट टू एसेट एट द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी जो एक्सचेंज कर रही है। परफेक्ट, यहाँ पे इनकी बुक वैल्यू 500 थी और इनका 10 थी। अगर इसको समअप किया जाए तो इनकी बुक वैल्यू कितनी थी, 500 थी, इनकी 10,000। ठीक है, पहला केस में क्या हुआ, फेयर वैल्यू दिया हुआ था तो इन्होंने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, जो इन्होंने लिया था लाइसेंस जिसकी फेयर वैल्यू थी 520, और जो यहां पे रिकॉर्ड हुआ, जो इनका एसेट गया, ठीक है, आई एम सॉरी, ये सॉफ्टवेयर खरीदे थे ना, सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट, और जो इनका एसेट गया ट्रांसमिशन, इनके बुक में वो 500 का था तो वो बुक वैल्यू पे ही आएगा, वो फेयर वैल्यू पे नहीं आएगा, टू प्रॉफिट 20 रुपये का। अब इस केस में क्या होगा, इनको क्या मिला, ट्रांसमिशन जिसकी बुक वैल्यू थी 500, तो ये आएगी टू सॉफ्टवेयर, इन्होंने सॉफ्टवेयर दिया जिसकी ये फेयर वैल्यू 500 थी, इसकी जो सॉफ्टवेयर गया वो 10 रुपये का था, 10,000 का था, तो यहाँ पे भी इनको गेन हो गया 490 का। तो उस वैसे दूसरे केस में भी हुआ था, सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू, सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट 490 टू जो इनका गया उसकी बुक वैल्यू थी 500, तो यहाँ पे इनको लॉस हो गया 10 का। और इधर क्या हुआ, इनको 490 का चीज मिल गया, सॉफ्टवेयर इनका 10 का था, तो गेन इनको 480 का हो गया। तो थर्ड केस ये, परफेक्ट, मूव फॉरवर्ड देन। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे, ये सेम क्वेश्चन जो पहले हमने किया था वही वाला है, वो रिपीट हो रहा है। तो आई गेस देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट वाला है और ये वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला है और स्टाफ ट्रेनिंग, तो वही सेम चीज़ है, उसको फिगर थोड़ा चेंज कर दिया। अगर आपको देखना है क्वेश्चन कहाँ है तो चलिए दिखा देते। कहाँ गया भाई, कहीं तो था, ये रहा, थैंक गॉड मिल गया एडवर्टाइजमेंट। ये रहा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का और स्टाफ पार्टिसिपेशन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, फिगर थोड़ी सी चेंज होगी बट वो सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट फेज की बात हो रही है, आरएनडी में ही अगला क्वेश्चन ये वाला करते हैं। एक्सपेंडिचर नया प्रोडक्ट बनाने में कितना हुआ, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से, 2 फेज दिया हुआ है बेसिकली, अप्रैल से दिसंबर और अगले महीने, अगले साल के जनवरी से मार्च तक। द प्रोडक्शन प्रोसेस मीट द इंटेंजिबल
एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बोला कि अपने से बता दे रहे कि क्राइटेरिया मीट करी फॉर डेवलपमेंट 1 जनवरी 2002 को, जबकि ये रहा कॉस्ट जिसका 900, मतलब कि 1 जनवरी 2002 से डेवलपमेंट की क्राइटेरिया मीट करी, पहले वो रिसर्च के फेज में था, सो दिस विल बी एक्सपेंडिचर, दिस विल बी कैपिटलाइज, लेट्स सी द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल, उसमें से जो अमाउंट रिकवरेबल है दैट इज 1000, ओके हो सकता है, कोई बात नहीं, तो इम्पेयरमेंट का चांस नहीं हो क्योंकि 900 हम मान रहे हैं लगा है, जबकि रिकवरेबल होगा 1000, तो इम्पेयरमेंट लॉस तभी बुक होता है जब उसकी रिकवरेबल अमाउंट कम हो, जैसे 800 रहता है तो 100 को इम्पेयरमेंट मान लेते हैं। What is the carrying amount of the intangible asset 31st March 2002 and the charge of the profit and loss? आपसे पूछा गया क्या carrying amount होगा intangible asset का और क्या expenditure में charge होगा? Expenditure incurred हुआ financial year 2002-2003 में 6000 का, okay, अगले financial year की बात कर रहे हैं I believe. As 31st March 2003, the amount estimated to be recoverable from the process, including future cash flows, outflows and complete the process before it is available is 5000. इन्होंने बोला जो amount recoverable है वो 5000 है. What is the carrying amount of intangible asset at 31st March 2003 and the charge of the profit to the loss? तो दो साल का question है basically, 2001 और 2002, 2003. तो ये वाला खर्चा विल बी कैपिटलाइज, ये वाले खर्चे में कुछ पार्शियली इधर उधर होगा, एक एक करके देखते हैं अपने। उसके पहले मैं फिर से बता दूं, रिसर्च और डेवलपमेंट में रिसर्च के खर्चे को एक्सपेंडिचर में डालते हैं, डेवलपमेंट के खर्चे को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं आफ्टर मीटिंग सम क्राइटेरिया। यहाँ पे क्राइटेरिया का टेस्ट नहीं है बिकॉज उसने पहले ही बता दिया है, आपसे बस पूछा है कि इसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा एट द ईयर एंड ऑफ 2001 एंड 2 एंड 2002 एंड 2003, दो साल के लिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर पहले साल में 3600 हुआ था, जिसमें से 900 विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेवलपमेंट फेज, और ये रहा आपका खर्चा। जो कैरिंग अमाउंट आएगा विल बी 900, बिकॉज ये फर्स्ट जन से ही आपको पता चला, फर्स्ट जन 2002 से, कि आपका ये डेवलपमेंट फेज में चला गया। तो जब डेवलपमेंट फेज में चला गया तो उस खर्चे को हम लोग कैपिटलाइज कर लेते हैं, हालांकि इसकी फेयर वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट 1000 थी, इसीलिए इस पर इम्पेयरमेंट नहीं लगता। व्हाट इफ इट इज 800, तो ये यहाँ पे 100 का इम्पेयरमेंट लगा के 800 कर दिया जाता है इसकी वैल्यू को। आइए अगले साल में, अगले साल में ओपनिंग बैलेंस कितना था एसेट का, 900, जिसमें 6000 हमने खर्चा किया और टोटल वैल्यू हो गई 6900, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट 5000 ही रही, तो दिस विल बी योर इम्पेयरमेंट लॉस, और वो वैल्यू घट के हो जाएगी 5000, जो मैंने पहले भी बोला था। तो कैरिंग अमाउंट 5000, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, रिसर्च फेज में 2700 का खर्चा हुआ, डेवलपमेंट फेज में पहले साल में 900 का खर्चा हुआ, जिसकी रिकवरेबल अमाउंट थी 1000, कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ इम्पेयरमेंट जब कम होगा तो होगा। अगले साल खर्चा कितना हुआ 6000 का, तो टोटल अपना कैपिटलाइज हो गया 6900, लेकिन यहाँ पे जो रिकवरेबल अमाउंट थी दैट इज 5000, दैट मींस कि आपकी जो इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू घट गई, रिकवरेबल आप रिकवर सिर्फ उतना कर सकते हैं, तो बाकी क्या होगा, बाकी इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो जाएगा, तो योर कैरिंग अमाउंट विल बी 5000, परफेक्ट, ऑल राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, कहाँ है भाई रिवैल्यूएशन मॉडल, अगर आपको याद हो प्रोपोर्शनेट मेथड, नेट मेथड, चलिए कॉस्ट मॉडल, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। बेसिकली सैटर्न लिमिटेड एक्वायर्ड एन इंटेंजिबल एसेट 31 मार्च 2001 को, 1,00,000 रुपये को, ठीक है, बहुत एक्विजिशन हो रहा है भाई साहब। द एसेट वॉज रिवैल्यूड एट रुपीज 1,20,000, ओके, रिवैल्यूड हुआ इतना तारीख को, एंड 85,000 ऑन, मतलब दो बार रिवैल्यूड हुआ, एक बार 1,20,000 और एक बार 85,000, ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल का क्वेश्चन है। दूसरा एक एक करके करते हैं, अच्छा देख लेते हैं। जुपिटर लिमिटेड ने अक्वायर किया 31 मार्च को 1,00,000 का एसेट, एसेट वॉज रिवैल्यूड 85,000, फिर 1,00,000 दो बार रिवैल्यूड हुआ अलग अलग रेट पे,
कोई बात नहीं, हर साल रिवैल्यू हुआ, हर साल नहीं जब भी हुआ वो देख लेंगे। आपको क्या बताना है? Assuming that the year end of the both the companies is 31st March and they both use revaluation model. Okay, all right, we will good to go. So how each of these transactions should be dealt with within the financial statement? अच्छा हम बताते हैं भाई साहब, explain the treatment for the revaluation of intangible. क्या treatment होगा, कहाँ जाएगा revaluation? Reserve में जाएगा, PL में जाएगा? Increase होता है तो क्या होगा, decrease होता है तो क्या होता है? We will discuss this. इग्नोर कंप्यूटेशन ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑन देम. अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच. कोई फिगर दिए नहीं, बोले अमोर्टाइजेशन को इग्नोर कर. ऑफकोर्स इग्नोर ही करते, तुम बोलो या ना बोलो. सोल्यूशन, सोल्यूशन जानने से पहले आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दी जाए कि रिवैल्यूएशन मॉडल में ट्रीटमेंट क्या होता है. रिवैल्यूएशन मॉडल में दो चीज होगी, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड. ठीक है, अपवर्ड में रिवैल्यूएशन रिजर्व, डाउनवर्ड में पीएनएल. ठीक है, और जो सब्सिक्वेंट होगा तो इसके एडजस्टमेंट के बाद जो बचेगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व या पीएल में जाएगा, या फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा. ये अब डिपेंड करता है, ये इनिशियल हो गया, फिर सब्सिक्वेंट में होगा तो सब्सिक्वेंट में घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है. सपोज करिए बढ़ा हुआ जब घटेगा, तो जब घटेगा तो पहले पीएल में पूरा नहीं डाल देंगे, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, फिर जो बचेगा तो पीएल में जाएगा. तो आइए देखते हैं, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट भी. पहले केस में कितना इंक्रीज हुआ, 1,61,000 था, 20,000 इंक्रीज हुआ अगले साल. और फिर एमोर्टाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, पहली बात इग्नोर करिएगा. 20,000 इंक्रीज हुआ, 1,00,000 था, 1,20,000 हो गया, फिर 1,20,000 से 85,000 हो गया. तो एक बार इंक्रीज हुआ आपका भयंकर, और फिर एक बार डिक्रीज हो गया, मतलब 1,00,000 से 1,20,000 और फिर 1,00,000 से 85,000. तो सफर कैसा है इनका, 1,00,000 लिख लेते हैं, इजी रहेगा. थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट करा रहा हूं. 20,000 revaluation increase on 31st March should be credible to the revaluation reserve. जैसे मैंने बोला upward होगा तो revaluation reserve में जाएगा, ये initial की बात है, initial में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. वैसे ही इसका भी initial कर लेते हैं, यहाँ पे भी 15,000 increase हुआ है, वो भी देख लेते हैं. 1,00,000 से कितना गया था, 1,00,000 से एक, ओके यहाँ पे decrease है, 1,00,000 से 85,000 हुआ था और फिर 1,05,000 लिख लेते हैं. ये 1,00,000 था, 85,000 हो गया था, फिर 1,05,000 हुआ परफेक्ट. तो यहाँ पे इनिशियली डिक्लाइन है, तो शुड बी रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, तो डाउनवर्ड की हमने बात की थी, डाउनवर्ड को पीएल में डालेंगे जो कि यहाँ पे दिख रहा है. तो दोनों इनिशियली रिकॉग्नाइज हो गया, तो यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है. अब जो फर्दर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हुआ, अब 1,20,000 से 85,000 पे गया, तो ये कितना लॉस हुआ, ये आपका डिक्लाइन हो गया 35,000 से. अब ये 35,000 मैंने क्या बोला था, ये आपका क्या है, पीएल का आइटम है, लेकिन पहले से हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है, 20,000 रुपया. तो पहले हम 20,000 रुपया इसको सेट ऑफ करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व को हटाएंगे और जो 15,000 बचेगा वो पीएल में जाएगा. यही हम बोल रहे थे कि पहले एडजस्ट करेंगे फिर पीएल में डालेंगे, तो यही क्या होगा, देखिए ₹20,000 ऑफ द रिवैल्यूएशन रिजर्व डिक्रीज एंड द रिकॉग्नाइज इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. बोला 20,000 रुपया ऑफ द रिवैल्यूएशन डिक्रीज ऑन 31st March, बोला 20,000 से डिक्रीज करेंगे, should be debited to revaluation reserve and the remaining, जो remaining 15,000 है, should be recognized as an expense. वही 35 में से 20 जो पहला अपने बढ़ा हुआ था उसको क्रेडिट हुआ था तो उसको डेबिट करके घटा देंगे और 15,000 पीएल में ट्रांसफर कर देंगे एज एन एक्सपेंस. अब यहाँ पे क्या होगा आपको बताना, छोड़िए उसे. 1,00,000 से 85,000 हो गया, मतलब 15,000 रुपये आपके पीएल में है. अब फिर जब ये इंक्रीज हुआ तो कितना का इंक्रीज हुआ, ये 20,000 का इंक्रीज हुआ.
अब 20,000 आपका क्या है रिवैल्यूएशन रिजर्व होना चाहिए, लेकिन अपने पास पीएल में ऑलरेडी 15,000 पड़ा हुआ है, तो पहले हम पीएल से इसको एडजस्ट करेंगे और जो बचा 5,000 है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। परफेक्ट, यही क्या होगा, देखिए शुड बी रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस इन द 15,000 का तो कर लिए थे, आउट ऑफ द 20,000 इंक्रीज ऑन 31st मार्च शुड बी रिकॉग्नाइज एन इनकम, क्योंकि पीएल में हमने एज एन एक्सपेंस दिखाया था, अब पीएल से इसको एडजस्ट करेंगे तो उसको उतना से इनकम दिखा देंगे, ठीक है, और जो रिमेनिंग 5,000 बचेगा उसको हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देंगे। परफेक्ट है, एक बार और मैं बता देता हूँ, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा रुको भाई, इसको ऐसे करना पड़ता है, देखिए इधर अपवर्ड हुआ था, इधर डाउनवर्ड, ये इनिशियल रिकॉग्निशन था, अपवर्ड कितना हुआ था 1,00,000 से 1,20,000 हुआ था, तो 20,000 रुपया रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट हो गया, इधर डाउनवर्ड हुआ था एंड दैट इज विथ 15,000 और ये पीएल में एज एन एक्सपेंस चला गया। अब बात आएगी जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की, तो इस केस में क्या हुआ, आई एम सॉरी, ओके, ये 1,00,000 से क्या हुआ था 1,20,000 हो गया था, फिर ये 85,000 हो गया था गेस ना, ये भी तो दिक्कत है यार, इसको फिर से ऊपर करना पड़ेगा, 85,000 हो गया था, बस राइट यार, आप बोलते भी नहीं हो यार, कैसे बोलेंगे तो 20 हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया था, अभी हमारे पास 35 का पीएल में लॉस दिख रहा है, इजंट इट, मतलब डिक्लाइन हो रहा है, तो पहले हम लोग 20 इसका क्या करेंगे, इसके 20 को रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरा क्रेडिट पड़ा हुआ तो इसको पहले एडजस्ट करेंगे और जो 15 बचेगा उस 15 को अपने एज एन एक्सपेंस पीएल में चार्ज करेंगे, यही मतलब पुराने बैकलॉग को क्लियर करना पड़ता है फिर आगे बढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे 20,000 का इंक्रीज हुआ था, रिवैल्यूड हुआ था, मतलब इसमें 85 से 105 गया था, तो मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास पीएल में ऑलरेडी एज एन एक्सपेंस चार्ज कर दिया गया था 15,000, तो उसको हटाने के लिए हम लोग 15,000 एज एन इनकम चार्ज करेंगे पीएल, मतलब बुक करेंगे एज एन इनकम, और जो रिमेनिंग 5,000 है उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे, ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज इट इज हैपनिंग विद द वन पर्टिकुलर एसेट, तो एक पर्टिकुलर एसेट को एक जगह बढ़ा भी नहीं सकते और घटा नहीं सकते, कंसिस्टेंटली आप मेंटेन करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि फाइनल ईयर में एक्चुअली वो अपवर्ड वैल्यूड है या डाउनवर्ड वैल्यूड है, समझ रहे हो, पुराने बैकलॉग को क्लियर करके एक्चुअल फिगर ट्रू एंड फेयर व्यू लाने के लिए ऐसा किया जाता है। I hope you got my point and we are moving ahead now. And this. Okay, where it is? Next illustration. Kidhar ho bhai? We got you red-handed. Illustration number 11. X Limited engaged in the business of manufacturing fertilizers interests into a technical collaboration agreement with the foreign company Y Limited. As a result of Y Limited would provide the technical know-how enabling X Limited to manufacture fertilizer in more efficient way. भाई साहब देखो technical collaboration किया भाई, दो बड़े बड़े business giant थे, बोले आप इंडिया में मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर बनाते हो, आप थोड़ी मेरी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, बस थोड़ा सा तो टेक्निकल तरीके से बनाओ, एफिशिएंटली आपका प्रोडक्ट बनेगा ज़्यादा कमाओगे, ठीक है भाई, हो गया बात। एक्स लिमिटेड पेड 10 करोड़ आई गेस फॉर द यूज ऑफ द नो हाउ, बहुत महंगा पड़ गया 5 साल का खर्चा। एक्स लिमिटेड एस्टिमेट द प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर एज फॉलोज, और उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसे ऐसे हम लोगों ने प्रोडक्शन पर मैट्रिक टन किया है, सो ईयर वन में इतना किया, ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर, 5 साल में इन्होंने इतना
मैट्रिक टन प्रोड्यूस किया. सो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इट अचीव द टारगेट प्रोडक्शन. पहले साल में टारगेटेड प्रोडक्शन अचीव कर ली, लेकिन सेकेंड ईयर में आते आते एट द सेकेंड ईयर 65,000 मैट्रिक टन ऑफ द फर्टिलाइजर वर बीइंग मैन्युफैक्चर. मतलब टारगेट से टारगेट हिट नहीं हुआ. एस्टिमेट था बट टारगेट हिट नहीं हुआ. टैक्स लिमिटेड कंसिडर्ड टू रिवाइज द एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट थ्री ईयर्स. आने वाले तीन सालों के लिए उन्होंने एस्टिमेट को चेंज कर दिया. नाउ द एस्टिमेट चेंज इज कम्स हियर नॉट राइट नाउ इज 85,000, 105,000 एंड 115. और ये एक्चुअल प्रोडक्शन तो इन्होंने 50,000 हिट कर दिया बट दिस केम्स टू ओनली 65. ओके, हाउ विल एक्स लिमिटेड विल अमोर्टाइज द टेक्निकल नो हाउ का जो इन्होंने अक्वायर किया था एक इंटेंजिबल एसेट, उसको कैसे अमोर्टाइज करेंगे. परचेज है तो ये इंटेंजिबल एसेट ही है आपका. तो सोल्यूशन बेस्ड ऑन द अबव डेटा, तो इनको यूज ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड बेटर रहेगा बिकॉज यूनिट में प्रोड्यूस कर रहे हैं. 5 साल के लिए इतना यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे तो टेक्निकल नो हाउ को आप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से अमोर्टाइज करेंगे तो सबसे बेटर होगा आपके लिए कि आप 50 करोड़ या 10 करोड़ खर्चा करके इतने इतने यूनिट बना रहे हो मैट्रिक टन के. सो द टोटल एस्टिमेटेड यूनिट टू बी प्रोड्यूस इज 450. अगर इसको अगर आप टोटल करें 5, 7, 21, 22, 23, 40, 30, 40 प्लस 110, 450. तो ये 450 आ गया टोटल. अगर ये करेंगे इसका तो 450 आएगा. द टेक्निकल नो हाउ विल बी अमोर्टाइज ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ द ईयरली प्रोडक्शन ऑफ द टोटल प्रोडक्शन. ठीक है, ईयरली प्रोडक्शन के हिसाब से उसका अमोर्टाइज करेंगे. द फर्स्ट ईयर चार्ज शुड बी इन प्रपोर्शन टू दिस ऑन 10 करोड़. आपको करना क्या भाई साहब, देखो ऐसे अमोर्टाइज करो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से. 10 करोड़ है आपके पास, ठीक है, आई मीन ओके 50,000 को डिवाइड करो 450 से. मतलब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में अगर दिए इतना यूनिट करेंट ईयर का टोटल यूनिट, ये 50,000 रखो भाई साहब इंटू 10 करोड़. अगर आप ये करोगे तो 1.1 करोड़ आएगा, मतलब पहले साल का अमोर्टाइजेशन. ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एज पर द रिवाइज एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस इन द फ्यूचर इज 370,000. इनको अगर आप टोटल करोगे द अमोर्टाइजेशन ऑफ द फॉर द सेकेंड ईयर विल बी 65,370. जब नया आएगा तो बदल जाएगा, बस सिंपल सा है, इंटू 10 करोड़ और माइनस 1.11 रहेगा. रिवाइज है बेसिकली यूजफुल लाइफ की तरह है, दैट इज इतना एंड सो रिमेनिंग यूजफुल अनलेस. कहने मतलब सिर्फ इतना है भाई, देख फर्स्ट ईयर में ये इस एस्टिमेट से अमोर्टाइज कर रहे थे एंड दिस कम्स टू द टोटल ऑफ 450. नाउ आफ्टर दिस एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इनको सेकेंड ईयर में रियलाइज हुआ कि भाई मेरा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, तो इन्होंने नया यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से अमोर्टाइज करना है. बस कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमको क्या दिक्कत है, आप अमोर्टाइज करो. वो 370 रिमेनिंग ईयर्स के लिए टोटल आया और यहाँ पे 65 लगाओ, अपना 10 करोड़ माइनस 1.1 करोड़ कर लो, जो भी रिमेनिंग वैल्यू है उसको अमोर्टाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. जितना यूनिट बचा है उतना यूनिट से आप अपने टोटल एस्टिमेट से उसको अमोर्टाइज करो. बहुत ईजी है, यूनिट कितना यूनिट प्रोड्यूस हो उस यूनिट के हिसाब से अमोर्टाइज कर सकते हैं. Now move to the next and that is what question number, I'm sorry, this is illustration number 12. X limited purchase of patent right. Oh ho, अच्छी बात है, 2-3 लाख रुपया लगा दिए. Legal life 15 साल की है. Due to the competitive nature of the product, the management estimated useful life of only 5 years. बोला इतना competition है, ये patents 5 साल में चले जाएगा. ठीक है, द स्ट्रेट लाइन एमोर्टाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट टू बी, बोला 5 साल वाले के हिसाब से SLM लगा देंगे. एज अप्रैल 1st 2001-2002 मैनेजमेंट इज अनसर्टेन दैट द प्रोसेस कैन एक्चुअली बी मेड इकोनॉमिकली फिजिबल एंड डिसाइड द राइट डाउन द पेटेंट टू एन एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ 1,50,000. अलग जो ये पेटेंट है उसके वैल्यू को राइट डाउन कर, मतलब मार्केट में उसका वैल्यू इससे ज़्यादा है नहीं, आई एम सॉरी,
एंड डिसाइड टू अमोर्टाइज करेंगे सिर्फ 2 सालों में, 5 साल का भी बोला कि मार्केट वैल्यू एकदम डाउन हो गया भाई साहब, 3 लाख का लिया, 15 साल छोड़ो, 5 साल पे आए, फिर तो 2 साल में आना पड़ा 1,50,000 के साथ। एज एट 1 अप्रैल 2003, हैविंग परफेक्ट रिलेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस, द एसेट इज नाउ अप्रेज्ड एट वैल्यू ऑफ रुपीज, हो ठीक है, 2003 में फिर से वैल्यू बढ़ गई। फर्दर मोर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज नाउ टू बी 4 more years, मतलब कि तीसरे साल के बाद 4 साल और, मतलब उनकी वैल्यू बढ़ गई और है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल्स एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर, जब एक बार घटी बढ़ी तो हर चीज के, मतलब हर वक्त के समय आपको बताना पड़ेगा, मतलब 3 साल में क्या क्या वैल्यू रही उसकी बतानी पड़ेगी। ओरिजिनल कॉस्ट 60 है, अमोर्टाइज करेंगे अपने, अपना जो SLM बेसिस था 5 साल लगाओ 60,000, तो पहले साल में तो कोई जमेला नहीं था, 240 आ गया। अगले साल क्या हुआ, द इम्पेयरमेंट इज रिकॉर्डेड, अब आपके पास 240 की एसेट थी, उन्होंने बोला भाई साहब 240 छोड़ो, ये 1,50,000 की अभी रिकवरेबल अमाउंट या मार्केट वैल्यू है, तो 90,000 का आपको लग गया इम्पेयरमेंट लॉस का चूना, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई 1,50,000, जिसमें से इम्पेयरमेंट लॉस 90,000 है, ठीक है, जिसको आप PL में चार्ज कर देंगे। अमोर्टाइजेशन प्रोवाइडेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2002 इज इतना, और उन्होंने क्या बोला था, इसको आप अमोर्टाइज करिएगा ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यहाँ पे लिखा हुआ, तो डिवाइडेड बाई 2 इज 75,000, तो आपकी जो वैल्यू बचेगी 150 माइनस 75 इज 75, जो कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। एज एट अप्रैल 2000, हैविंग परफेक्टेड द रिलेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस, एसेट इज नाउ अप्राइज्ड एट द वैल्यू ऑफ 300, ओ हो हो परफेक्ट, 3 लाख पे पहुंच गया 75 से भाई साहब। फर्दर मोर उसकी यूजफुल लाइफ भी 4 साल और बढ़ गई, मतलब ही रिमेनिंग लाइफ तीसरे साल से देखा जाए तो 4 साल है, सो द वैल्यू एज एट 31 मार्च, तो ओपनिंग वैल्यू 75 ही रहेगी, रिवैल्यूट करके उसको 3 लाख पे ला दिया गया, सो द आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन गेन, हमको रिवैल्यूएशन गेन कितना हो गया भाई साहब, 2,25,000, ठीक है, 90,000 विल बी चार्ज टू PL आउट ऑफ द टोटल रिवैल्यूएशन गेन, जो रिवैल्यूएशन गेन इसमें था पहले 2,25,000, उसमें से 90,000 विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ 1,35,000, अभी 90 क्यों जाएगा, क्योंकि पहले से हमने इम्पेयरमेंट लॉस बुक करके रखा हुआ, तो ये गेन वहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा, एक्चुअल गेन अगर देखा जाए तो हमारे पास 1,35,000 का ही है, समझ में आया, 2,25,000 का तो आपका गेन हुआ, बट यू हैव ऑलरेडी इम्पेयर्ड दिस एसेट, तो उस इम्पेयर्ड लॉस को अगर आप एडजस्ट करें तो आपको एक्चुअल गेन कितना हुआ, 135। नाउ 135 विल बी क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व, परफेक्ट है, क्लियर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 13 आई बिलीव। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपकी ओपिनियन मांगना मांग रही है, चाहती नहीं, मांग रही है, अक्वायर्ड अ 4 ईयर लाइसेंस, ठीक है, उसका कॉस्ट 1 करोड़ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, प्रोडक्शन कॉमर्शियली कॉमेंस इमीडिएटली, प्रोडक्शन इमीडिएटली कॉमेंस हो गया, कोई बात नहीं। उन्होंने ऑल्सो परचेज किया एक अनदर कंपनी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ओके, एज पार्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द कंपनी द ब्रांड विद द फेयर वैल्यू, उसकी ब्रांड 3 करोड़ की बेस्ड ऑन द सेल्स रिवेन्यू देखा गया है, लाइफ ऑफ द ब्रांड इज 15 ईयर, ब्रांड जो है एक्वायर हो रहा है बेसिकली, स्पेंड 1 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, सब्सिक्वेंटली सेल हैव शोन अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, बोला कि एडवर्टाइजमेंट से मुझे प्रॉफिट हुआ जो 3 साल तक आपको दिखता रहेगा। फिर क्या बोला, इट हैज कमेंस डेवलपिंग अ न्यू ड्रग, अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट वुड कॉस्ट 10 करोड़, क्लिनिकल ट्रायल प्रूव सक्सेसफुल एंड सच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, कॉस्ट इनकर्ड एक्यूमुलेटेड इतना तारीख तक इतना, बैलेंस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 5-5 करोड़ का 2001 तक लगा, 2001-2002 में 5 करोड़ रुपया लगा। इट हैज ऑल्सो कमेंस डेवलपिंग अनदर ड्रग बी
एंड इट हैज इंकर्ड 50 लाख टूवर्ड्स द रिसर्च. ओहो ठीक है. द टेक्निकल फिजिबिलिटी हैज नॉट इट बीन इस्टेब्लिश, जिसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी अभी तक इस्टेब्लिश नहीं की गई है. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं रिपीट कर दूं. इन्होंने 4 साल के लिए मैन्युफैक्चर एक स्पेशलिस्ट ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस खरीदा 1 करोड़ रुपए का. उन्होंने एक कंपनी खरीदी जिसका ब्रांड वैल्यू था 3 करोड़. 1 करोड़ पे एडवर्टाइजमेंट पे फूंक दिया इन्होंने, जिससे बूम का कहने का मतलब आने वाले 2-3 साल में मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा. एक ड्रग उन्होंने डेवलप किया, डेवलपिंग आई रिपीट, डेवलप कर रहा है, रिसर्च नहीं कर रहा है. तो डेवलप किया 10 करोड़, जिसका क्लिनिकल प्रोसेस बोला कि 5 ईयर तक हमें फायदा मिलेगा. और इसमें ब्रेकअप दिया है 5 करोड़ 5 करोड़, 31 मार्च 2001 तक इतना हुआ और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2001 से 2002 तक 5 करोड़ रुपये खर्चा हुआ. एक ऐसा भी ड्रग इन्होंने बनाया जो कि रिसर्च में है, तो दैट विल नॉट बी कैपिटलाइज एंड वी विल लुक इट हाउ इट इज गोज. हमसे क्या पूछा है, हाउ द अबव ट्रांजेक्शन विल बी कमेंस्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एक्स फार्मास्यूटिकल, की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन को आप कैसे दिखाएंगे. एक एक करके हर ट्रांजेक्शन को अपने देखते हैं. इट शुड बी रिकॉग्नाइज द ड्रग लाइसेंस एज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज उसने परचेज किया, एक्वायर किया, तो उसको वो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए. बिकॉज इट इज सेपरेट एक्सटर्नल परचेज, हाँ वही बात जो मैंने बोला, सेपरेटिवली उसका आइडेंटिफिएबल एसेट भी है, कंसिडर्ड सक्सेसफुल इन द रेस्पेक्ट ऑफ फिजिबिलिटी एंड इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, FAB भी है. सो द ड्रग लाइसेंस को 1 करोड़ पे आप रिकॉर्ड कर लीजिए, जो कि 4 साल तक आप चलेगा, उसको आप उस हिसाब से एमोटाइज कर दीजिएगा. फिर बात आती है, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड वैल्यू है उसको एज ए इंटेंजिबल एसेट बिकॉज वो परचेज हुआ है, और उसका सेपरेटली आइडेंटिफिएबल प्राइस भी बताया हुआ है कि सेपरेटली उन्होंने इतना रुपया उसको खर्चा किया और अब 15 साल में अमोर्टाइज होगा जैसा उसने ईयर लिखा हुआ था. तो बेसिकली दोनों परचेज के केस है, तो परचेज और एक्वायर्ड जब भी करते हो तो उस केस में आप तो रिकॉर्ड करते ही हो इंटेंजिबल एसेट, और जितना साल के रहता है उतना साल में अमोर्टाइज भी कर देते हो. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भाई साहब एक्सपेंस राइट ऑफ कर दो, कोई उससे सेल बढ़ा क्या हुआ, वो इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा. पहले भी हमने इसके ऊपर बहुत बात कर ली है. डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001 शुड बी कैपिटलाइज. कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ड्रग ओपनिंग कॉस्ट इतना इतना इतना, टोटल कॉस्ट इतना, 10 करोड़ कैपिटलाइज होगा. ये पहले का खर्चा है जो कि डेवलपिंग पे ही लगा है. अगर एक्सपेंस रहता, आई मीन रिसर्च पे लगता, तो नहीं होगा. मैंने एक वर्ड यहाँ पे आपको मार्क करने के लिए बोला था, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इट हैज कमेंस डेवलपिंग अ न्यू ड्रग. उन्होंने डेवलपिंग अ न्यू ड्रग, नॉट द रिसर्च, डेवलप कर रहा है. डेवलप मतलब कैपिटलाइजेशन, तो 10 करोड़ कैपिटलाइज होगा. रिसर्च का एक्सपेंस ये भाई साहब नहीं जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, सिंस टेक्निकल फिजिबिलिटी हैज नॉट इट एस्टैब्लिश. टेक्निकल फिजिबिलिटी अभी तक इनको एस्टैब्लिश नहीं, ये नहीं कर पाए. तो ये रही आपकी कहानी इलस्ट्रेशंस की, जो कि हमने कंप्लीट कर दी है, 13 इलस्ट्रेशन. नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज एंड वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया. वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. और बस आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया. और आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आई कैन एंड आई विल. और आपको एक बात बता दें, इस टेस्ट योर नॉलेज में 14 क्वेश्चन है, जो कि इलस्ट्रेशन से 1 क्वेश्चन ज़्यादा है. चलिए बाय.